जय मसीह की सभी बच्चों को। आस्था, आप कैमरा ऑन कर सकते हो? पॉसिबल है तो ऑन कर लो प्लीज। अच्छा, पिछली क्लास में कौन कौन था? अनमोल आप थे? मैं जिया, यशिका आप थे? तो पिछली कहानी में हम क्या सीख रहे थे? देखो, फेरो के बारे में सीख रहे थे ना, फेरो के बारे में, फिरौन राजा के बारे में सीख रहे थे। और फिरौन राजा ने क्या महामारी भेजी थी, ऐसा कुछ था ना? शायद नील नदी की। मेंढकों की महामारी। हाँ जी, वेरी गुड। तो और उससे पहले हमने क्या देखा था? लाल लाल जो रेड सी थी वो पूरी रेड कर दी थी, ठीक है? देखा था ना, ये भी देखा था ना, महामारियों में पहले देखा था कि नहीं? हाँ या नहीं, पहले कहानियों में? नहीं? हाँ, कुछ पता है? चलो, आज हम फेरो की कहानी देखेंगे। पिछली बार हमने देखा था कि जो मेंढक जो थे वो पूरे मिस्र में फैल गए थे। क्यों फैल गए थे, कोई बता सकता है? क्या हुआ था, कोई बता सकता है? मिस्र में इसलिए मेंढक फैल गए थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, जो यहुआ है, उन्होंने आज्ञा दी थी कि फैरो को, कि फैरो तुम मेरे लोगों को जाने दो। कहाँ जाने दो? इसराइल में जाने दो कि वो मेरी उपासना करें। लेकिन फिरौन ने ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुना। और उसने क्या किया, उसने ये, और प्रभु ने उस पे जो था एक उनके ऊपर महामारी कर दी। 1 मिनट। तो आज हम जो देखेंगे, आज हम देखेंगे, आज हम एक और कहानी देखेंगे। आज हम एक और कहानी देखेंगे, आज हम उससे आगे देखेंगे। देखो, जो फेरो के ऊपर मेंढक जो थे वो सारे मिस्र में फैल गए थे, और मिस्र में फैलने के कारण क्या हुआ? फिर उसने बोला, फेरो ने बोला मूसा से, मूसा के भाई का नाम क्या था, हमने पिछली बार सुना था ना, कोई बता सकता है? हारून था भाई का नाम, हाँ या नहीं तो बता दो, याद है? नहीं है? यस नो? मैम जी, उनके भाई का नाम हारून था। जी, थैंक यू। तो पहले उसके जो हारून जो थे, हारून को मूसा मूसा के, यहुआ के द्वारा आज्ञा मिलती थी, यहुआ जैसे जैसे बोलते थे मूसा और उनके भाई हारून करते थे। तो उन्होंने मेंढक भेजे थे, मेंढक को हटा दिया प्रभु यहुआ ने। लेकिन क्या हुआ, फैरो का मन फिर से बड़ा कठोर हो गया। वो ने उसने फिर से नहीं माना कि प्रभु यहुआ को, प्रभु यहुआ जैसे चाहता है कि इज़राइली लोगों को मैं जाने दूं, उनकी उपासना करने दूं, लेकिन उसने फिर भी नहीं माना। इतने सारे प्रभु ने उसके लिए काम किए, मेंढक भेजे, मेंढकों को हटा दिया, एक बड़ा ढेर सा लग गया था ना, पूरे शहर में सब गंदी सी स्मेल आने लग गई थी, और लोग बड़ी गंदी गंदी, इतना बड़ा ढेर बन गया था पिछली बार जब हमने कहानी में सुना था। तो लेकिन फेरो तब भी नहीं माना। तो हम आगे देखेंगे कि आगे क्या किया प्रभु ने। तो आज हम पढ़ेंगे निर्गमन, जो स्टोरी है हमारी वो निर्गमन 8 अध्याय से 16 से 32 तक है, ठीक है? अब हम आके देखते हैं कि कैसे फैरो फैरो को यहोवा ने अपना कोप दिखाया, लेकिन उसके साथ उसका अनुग्रह भी था। आज हम
वो कहानी लिखी। तो क्या हुआ, जब फैरो को प्रभु ने बोला कि जब उसके ऊपर मेंढक भेजे फिर भी वो नहीं माना, तो उसने क्या किया, हारून जो मूसा का भाई था उससे बोला, हारून हारून तुम जाओ और अपनी लाठी को, ये लाठी आप देख रहे हो ना, ये बड़ी सी लाठी, ये हारून है, हारून से बोला कि अपनी लाठी को जोर से ना धरती के ऊपर, भूमि के ऊपर डालना, जिससे कि मिस्र जो देश है जिसमें वो रहते थे लोग, उसमें सारी कुटकियां भर जाए। कुटकियां क्या, ये देखो, तो जैसे ही वो मनुष्य, जैसे ही उसने, हारून ने जैसे ही अपनी जो डंडा है वो जैसे ही उस पे जमीन पर डाला, तो सारी जगह कुटकियां, छोटी छोटी फ्लाइज होती हैं, वो सारी जगह भर गई। और क्या, पहले जैसे कि मेंढक सब जगह भर गए थे मिस्र, पूरी जगह उनके लोगों में, उनके खाने में, उनके पीने में जैसे आ गए थे ना, वैसे ये सारी जो कुटकियां थी जो थी वो सारी जगह फैल गई, यहाँ तक कि जो जानवर थे और सारी जगह जो लोग भी थे ना, सब जगह ये छोटी छोटी, ये ब्लू ब्लू कलर की, ब्लैक ब्लैक कलर की आप देख रहे हो ना, ये सारी जगह वो फैल गई। दीप्ति सिस्टर, ये ना आपकी स्लाइड्स वो नहीं हो रही, क्या चेंज नहीं हो रही है, एक ही टाइटल स्लाइड ही बनी बस है, पता नहीं सबके साथ है कि नहीं, बट मुझे तो एक ही स्लाइड दिखाई दे रही है अभी तक, आपने चेंज की है क्या स्लाइड? नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा है, आप दोबारा से उसको क्रॉस कीजिए फिर दोबारा शेयर कर दीजिए। फ्रीज हो गया स्क्रीन, फ्रीज हो गया, ओके। अब दिख रही है सिस्टर? दोबारा शेयर कर दीजिए एक बार। अब क्या शो हो रही है बच्चों, स्क्रीन शेयर हो रही है, दिख रहा है सबको? हाँ है, नहीं अब दिख रहा है, अब दिख रहा है सिस्टर, और चेंज भी हो रहा है। ये स्लाइड शो वाला जो ऑप्शन है ना नीचे राइट बॉटम एकदम नीचे स्लाइड शो वाला है, होता है, एक बार स्लाइड चेंज करके देखिए सिस्टर, होगा? हाँ अब तो हो रहा है, हाँ, लेकिन स्लाइड शो नहीं हो रहा है। नहीं कोई बात नहीं, आप ऐसे ही कर दीजिए, ठीक है अभी हो रहा है, क्योंकि वो तब से आप बोल रहे थे ना, वो सिर्फ टाइटल स्लाइड शो कर रहा था। ठीक है कंटिन्यू सिस्टर। तो हम जैसे कि उसने जोर से डंडा मारा हारून ने, जैसे कि प्रभु ने उसको आज्ञा दी थी, उसने जोर से लाठी मारी, ये लाठी है, लाठी जैसे ये लाठी मारी जमीन पर, तो सारी जगह धूल भर गई और सारे मिस्र देश में क्या हुई, कुटकियां, थोड़ी थोड़ी जो फ्लाइज थी वो सारी जगह आ गई, इवन जो लोग थे वहां के, वो सारे जो जानवर थे, पशु थे, उन सब के बीच में वो फैल गई। जैसे कि पहले मेंढक फैल गए थे ना पूरी जगह मिस्र में, पूरी जगह फैल गए थे, जब यहोवा कह रहा था इसराइलियों को, मेरे लोगों को, मेरे इसराइलियों को जाने दो कि मेरी उपासना करें, लेकिन फैरो ने नहीं माना था, वैसे इस बार फिर से फैरो ने किया, फैरो ने वापस से नहीं मानी प्रभु की बात, तो प्रभु ने क्या किया, कुटकियां भेजी, और वैसे जैसे मेंढकों के और सब जगह फैल गई थी, वैसे ये इस बार भी ये कुटकियां सारी जगह फैल गई, खाने में, उनके भवनों में, फैरो के जो बहुत बड़ा सा उसका महल था, सब जगह वो फैल गई। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने जो उसके जादूगर थे ना, उन्होंने सोचा कि चलो हम भी ऐसा करते हैं, हम भी है ना अपने तंत्र मंत्रों से ऐसी कुटकियां बना लेते हैं, हम भी देखें, करके देखते हैं कि ये कुटकियां कैसे बनती हैं, हम भी करके, हम भी ट्राई करते हैं। तो उन्होंने भी कोशिश करी, ये देखो ये जादूगर है, ये भी
सोचने की मतलब करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार जब हमने देखा था तो उन्होंने क्या किया था, पिछली बार भी अगर आपको याद हो तो पिछली बार मेंढकों को उन जो वहां के तंत्र मंत्र जादूगर थे उन्होंने चाहा था कि वो मेंढक बन जाए, वो हो सके थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार जब उन्होंने चाहा कि जादूगरों ने चाहा कि हम ये कुटकियां वापस से बना लें, तो वो क्या, वो तो कर ही नहीं पाए। वो सोचने लगे क्यों, हम क्यों नहीं कर पा रहे, पिछली बार तो हमने कर ली थी, इस बार हम क्यों नहीं कर पा रहे। फिर वो फैरो के पास गए, फैरो से बोला उन्होंने कि है ना, ये हम तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये काम जो है ना, ये परमेश्वर के हाथ का काम है, ये हमसे तो नहीं हो पा रहा है, हम नहीं कर पा रहे, ये जरूर काम जो है ना, प्रभु यहोवा हमारे परमेश्वर का काम है, जो हमारा परमेश्वर है ना, वो इस काम को कर रहा है। तो फैरो बोला कि फैरो फिर है ना चकित हो गया, फैरो भी सोचने लगा। फिर है ना प्रभु ने, यहोवा परमेश्वर ने जो था वो फैरो के पास जब ये सब काम कर रहा था, तो उन्होंने मूसा से कहा, मूसा एक जो होता है ना मीडिएटर होता है, मतलब प्रभु यहोवा मूसा के थ्रू फैरो को बात बताता था। तो यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा मूसा तुम्हें काम करना, सवेरे जब जो फैरो राजा है वो जब तड़के उठ के आएगा ना नदी पे, नदी के सामने, तो तुम उसके सामने ना जाना, और नदी के सामने जाना। तो वो ये देखो फैरो राजा के सामने आए, और फैरो से फिर से उन्होंने फिर से बोला, फिरौन राजा से फिर से बोला कि यदि तू मेरी प्रजा को जाने नहीं देगा ना, मेरी उपासना करें इसराइली लोग मेरी उपासना करें, अगर तू मिस्र देश से मेरे लोगों को जाने नहीं देगा, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उनके ऊपर, पहले तो मैंने क्या भेजा था, कुटकियां भेजी, तब भी फैरो नहीं माना, उसने प्रभु यहोवा की बात नहीं सुनी, उसने फिर से अपने मन को कड़ा कर लिया। फिर उसने बोला मूसा से, उसने रिक्वेस्ट करी कि आप है ना परमेश्वर से बोलो कि वो कुटकियां हटा दे। उसके बाद लेकिन फिरौन फिर भी नहीं माना, परमेश्वर ने कुटकियां हटा दी थी, जैसे पहले मेंढकों को हटाया था, और वो जो समुद्र का पानी जो लाल हो गया था उसे नॉर्मल उसी के कलर में कर दिया था, वैसे इस बार भी क्या करा प्रभु यहोवा ने जो था सारी कुटकियों को हटा दिया। लेकिन फिर से फिरौन जो है अपने मन को कड़ा कर लिया, और उसने फिर से कहा, फिर से क्या करा, उन इसराइलियों को मिस्र में से जाने नहीं दिया कि वो उसकी उपासना कर सके। तो फिर उसने बोला, उसने मूसा से बोला कि तुम जाओ और फैरो से बात करो और बोलो कि है ना तुम मेरी प्रजा को जाने दो, नहीं तो इस बार मैं क्या, डांसों के झुंड, एक बड़ी वाली फ्लाइज होती है, वो उनके पास में आप भेजूंगा। बच्चों आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज बोल दीजिएगा, आ रहा है ना, ठीक है। तो अब उसने बोला कि मैं अब क्या करूंगा, बड़ी 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 वाली फ्लाइज, पहले तो छोटी छोटी, अब मैं बड़ी वाली फ्लाइज जो क्या कहलाती है, डांस कहलाती है, मैं उनको जो है तुम्हारे पास भेजूंगा। और फिर प्रभु ने कहा ठीक है मैं करूंगा। तो उस प्रभु परमेश्वर ने उसके करने के बाद क्या हुआ, वो गोशान देश वो प्रभु का देश था, तो उससे तुम देखोगे कि मेरे लोग, मेरे खुद के लोग और तुम्हारे मिस्री लोग, उनको मैं अलग करूंगा। एक जगह तो आप देखोगे प्रभु का कोप भड़का हुआ है, और एक जगह मेरे लोग होंगे, तुम उनको देखोगे, तुम मेरे और दूसरे लोगों के बीच में, मेरी प्रजा के लोग के बीच में और दूसरे तुम्हारे मिस्री लोगों के बीच में अंतर देखोगे। कल देखोगे कि मेरी प्रजा के लोगों में वो जो झुंड है वो एकदम से सारी जगह पर तुम्हारे फैल जाएगा, वो बड़ी वाली जो फ्लाइज है वो तुम्हारे सारी जगह फैल जाएंगे, डांस जो है सारी जगह फैल जाएंगे। और जैसे यहोवा ने बोला कल जैसे हुआ वैसे, ये जो बड़ी बड़ी फ्लाइज देख रहे हो ना आप, कितनी बड़ी बड़ी ये है, पहले छोटी छोटी सी गुटकियां आती थी, लेकिन अब ये बड़ी बड़ी वाली फ्लाइज आ गई।
उन्होंने बोला कि ये जो डांस है ना, मैं तुम्हारी जगह भेज दूंगा। तो यहोवा ने जैसा किया वैसे ही हुआ। सारी फिरौन में, फिरौन के राज्य में, पूरे मिस्र में ये जो है डांस जो है सारे कर्मचारियों पर, मिस्र देश पे डांसों का झुंड फैल गया। आपने कभी सोचा है, कभी आप कहीं गए हो और एकदम से बहुत सारी फ्लाइज या कुछ आ गया, और एकदम से आपने वो येलो कलर का वो बर्ड देखा है किसी ने, जो एकदम से आता है बहुत तेजी से काटता है, देखा है नहीं देखा? एक येलो कलर का बर्ड होता है वो आता है और एकदम से हमें काटता है, तो कितनी जोर से लगता है ना, दर्द होता है। अब आप सोचो ये इतनी बड़ी बड़ी जो डांस थी, अगर वो अगर हमारी तरफ चारों तरफ फैल जाए और सब जगह आ जाए तो हमें कैसा लगेगा। तो ऐसे ऐसी चीजें फैरो के पास भेजी थी कि फैरो का जो मन करड़ा है ना वो थोड़ा सा दीन हो जाए। वो कैसे दीन होगा, जैसे कि हम भी नहीं करते कभी कभी, प्रभु हमसे कहता है कि चलो तुम्हें ना सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वही काम करते हैं लेकिन फिर भी हम झूठ बोल देते हैं। जो हमें नहीं करना चाहिए था वो फिर हम कर लेते हैं, लेकिन प्रभु यहोवा जो है हमें मौका देता है। प्रभु ऐसे नहीं कि एकदम डांट के, नहीं तुम नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे, मैं तुम्हें पनिशमेंट जरूर देता है प्रभु यहोवा, लेकिन वो हमें प्यार भी करता है। तो फैरो को बार बार मौके दे रहा था कि भाई अब अपनी मेरे लोगों को जाने दो, मेरे लोगों को जाने दो। इतनी विपत्तियां उसके ऊपर डाल रहा था प्रभु यहोवा कि वो समझ जाए, उसको समझ में आ जाए, लेकिन फैरो राजा नहीं मानता था। उसके बाद क्या कहा, जब वो पूरे झुंड आ गए तो वो मूसा तो बहुत परेशान हो गया, कहता हर जगह फ्लाइज, इतने बड़े बड़े डांस आ गए, पूरी जगह पे फैल गए हैं। तो फिर उसने क्या कहा, फैरो राजा ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम क्या करो मूसा हारून, तुम जाके रहना, मेरे लिए एक बलिदान चढ़ाओ, बलिदान एक ऑफरिंग दो अपने प्रभु यहोवा। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है। तो वो कहते, उन्होंने कहा कि नहीं हम, हाँ ठीक है हम बलिदान करेंगे, लेकिन हम है ना मिस्र देश में नहीं जाएंगे, उस देश में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि वहां पे तुम जो जिस चीज की वर्शिप करते हो ना वो बिल्कुल सही नहीं है, अगर हमने उसको हटा दिया तो वहां के लोग है ना हमें मार देंगे, तो हम क्या करेंगे, कहीं दूसरी जगह जाएंगे। जैसे कि परमेश्वर यहोवा के अनुसार, कहे हुए अनुसार, उन्होंने 3 दिन का जो थी जर्नी ली, वो मार्ग पे गए और परमेश्वर के लिए उन्होंने जाके बलिदान चढ़ाया। जाने के बाद फैरो राजा बोलता है ठीक है तुम बलिदान तो चढ़ा देना, लेकिन तुम एक काम करना, तुम जंगल में जाओगे, चले तो जाना, लेकिन है ना बहुत दूर प्लीज मत जाना, और तुम्हें ना प्लीज मेरे लिए ना प्रार्थना करना कि है ना प्रभु ये जो सारी विपत्तियां एकदम से मुझ पर आए जा रही हैं वो हटा दे, तो तुम इसी के लिए बलिदान को चढ़ाओ। तो उन्होंने सुन ली, प्रभु यहोवा ने जो था वो उससे विनती को स्वीकार किया, उन्होंने बलिदान चढ़ाया। तो जो सारी जो फ्लाइज थी, जो झुंड थे डांसों के, वो सारी जगह जो फैल गए थे पूरे मिस्र में, वो हर जगह से चले गए, एक सिंगल भी डांस जो था वो नहीं रहा, एक सिंगल डांस भी वो वहां पर नहीं रहा। तो फिर क्या हुआ, फिर उसने, प्रभु मूसा ने फिर से विनती की कि प्रभु प्रभु आप जो आपने ये डांस जो भेजे है ना फैरो पर, तो प्लीज आपसे मैं प्रेयर करता हूँ कि आप ये जो है दास को हटा दो। तो कोई मुझे ये कभी आपके साथ कभी कुछ हुआ है ऐसा, कोई मुझे बता सकता है कि आप कोई बड़ी परेशानी में चले गए, फिर आपने प्रभु से प्रेयर करी और प्रभु ने वो चीजें हटा दी, कोई बता सकता है किसी के साथ हुआ है कभी कोई भी, कोई भी अपना माइक ऑन करके बता दो प्लीज, अगर किसी के साथ हुआ है तो। हाँ जी बोलो। नहीं हुआ और किसी के साथ, आप किसी मुश्किल परेशानी में पड़े हो, आपने यहोवा से प्रार्थना करी है
और यहोवा ने वो ठीक कर दिया, ऐसा हुआ है कभी? नहीं भाई, मेरे साथ हुआ है। दीदी हाँ हाँ अच्छा अनमोल आप बताओ क्या हुआ था। दीदी एक बार मेरे पेपर में मेरा मेरे को कुछ याद नहीं था, मैं अपनी नानी के यहाँ से आ रहा था रात को। हाँ जी हाँ, मैंने प्रार्थना करी थी कि पिता परमेश्वर आप पेपर अच्छा से दिलवाना, फिर बस मैंने एक बार ही चैप्टर याद करा था, फिर मेरा पेपर वो पूरे फुल में से फुल में। वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या होता है कि जब हम जैसे कि फेरो मूसा प्रार्थना कर रहा है ना फिरौन के लिए, फिरौन की प्लीज ये जो गलतियां हैं वो प्लीज आप माफ कर दीजिए और जैसा वो चाहते हैं वैसा सब कुछ होने दीजिए, तो हम हमारे साथ भी होता है। यदि हम जब किसी जैसे कि किसी परेशानी में आ जाते हैं और हम यदि सच्चे मन से प्रार्थना करें ना प्रभु, तो प्रभु हमारे लिए जरूर करता है। तो आप बाइबल में लिखा है टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, कि चक्कर देखो यहोवा कैसा भला है। आप भी एक बार चक्कर देखना, आप भी ऐसे एक बार कभी अगर प्रभु ना करे कोई परेशानी में आए, कभी अगर आप किसी परेशानी में आते हो ना उस टाइम प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु आप दया करके मुझे इस प्रॉब्लम से निकालिए, इस राह मुझे राह दिखाइए कि मैं इस प्रॉब्लम से निकल सकूं। तो ऐसे मूसा मूसा ने विनती करी और जो है उसकी सुन ली गई। देखिए सिस्टर मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप प्लीज बता दीजिएगा जब स्लाइड। हाँ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सिस्टर। तो देखो ये सारे जो डांस के झुंड थे लोगों के पास भर गए थे। देखो ये फैरो का बेटा भी है, ये जो ऐसे करके यूं खड़ा हुआ है ना, ये फैरो का बेटा भी है। ये देखो इसका जो ड्रेस बना हुआ है ये सारा, ये फैरो का बेटा, हम सोच सकते हैं कि ये फैरो का बेटा हो सकता है। तो सब जगह इवन वहां के लोगों पर उनके बच्चों सब जगह डांस के झुंड सारी जगह फैल गए थे। और प्रभु का एक आश्चर्य काम वो क्या देखा हमने कि उसने एक भी डांस एक भी फ्लाई जो था ना वो एक को भी नहीं रहने दिया। जैसे मूसा ने प्रार्थना करी वैसे उसके लिए सब कुछ हो गया। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर प्लीज। जब फैरो ने देखा कि ये सारे डांस चले गए हैं तो उसने क्या किया, उसने फिर से अपने मन को कड़ा कर लिया, उसने प्रभु की नहीं सुनी। उसने जब उसने देखा ना कि हमारी अरे यहाँ जितनी सारी महामारी जो फैल रही थी वो प्रभु ने दूर कर दी, तो वापस वो पहले जैसा हो गया। ऐसा कुछ होता है क्या, हमारे साथ भी होता है क्या, कभी हुआ है किसी के साथ कि जब हमारे पास परेशानी आई तो हमने बहुत प्रार्थना की प्रभु प्लीज ठीक कर दो प्लीज कर दो, उसके बाद जब सब नॉर्मल हो गया तो हमने हमने फिर प्रभु का प्रभु को भूल गया। ऐसा होता है क्या, किसी के साथ हुआ है? हाँ नहीं, मेरे साथ तो हुआ है भाई। मैं बोलती हूँ कि जब अच्छी जब प्रभु सब कुछ अच्छा देता है ना तो प्रभु को हम भूल जाते हैं, लेकिन पर जब बुरी सिचुएशन आती है बुरी चीजें आती हैं तो हम प्रभु को बोलते हैं प्लीज प्रभु आप हमारी सहायता मदद कीजिए प्लीज। और जैसे ही हम जो अच्छी जब हम अपनी पुरानी नई अच्छी चीजों में आने लग जाते हैं वैसे हम प्रभु को भूल जाते हैं, लेकिन नहीं, प्रभु क्या है हमें कभी नहीं भूलता। वो फैरो को बार बार बोल रहा था कि लोगों को जाने दो जाने दो। कभी हमारी जब हम टीचर को हम होमवर्क नहीं करते तो वो हमारी पिटाई हमें पनिशमेंट देती है ना कि आप सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, नहीं करो आप अपना काम, लेकिन हम क्या वो नहीं सुनते। लेकिन प्रभु भी यहाँ पे फैरो से कहता है कि तुम अपनी बातों से सुधर जाओ तुम कर लो। ऐसे प्रभु है ना हमसे भी प्रेम करते हैं, हम चाहे कितना भी हम कितना भी पाप करें कितना भी ऐसे गंदे काम करें लेकिन फिर भी प्रभु जो है हमें प्यार करता है। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। तो आज हम आज हमारी जो नेक्स्ट जो याद करने वाली आयत है, पिछली बार याद नहीं करी थी ना आप लोगों ने तो इस बार प्लीज आप याद कर लीजिएगा। तो मैं बोलती हूँ आप लोग पीछे पीछे सब बोलेगा
प्लीज आप लोग ऑन कर लीजिए माइक से। आस्था, अनमोल, प्रिया, लाइका। अनमोल अब देख लियो। पॉसिबल है तो प्लीज आप ऑन कर लीजिए माइक को। तो आज हमारी मेमोरी वर्स है भजन संहिता 145 से एक की 8 वर्स। ठीक है, तो मैं बोलूंगी, आप उसके पीछे पीछे बोलिए। यह हुआ अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणा में है, और अति करुणा में है। देखो, तो यहुआ अनुग्रहकारी और दयालु था, अभी भी है हमारे साथ। जैसे कि फैरो के ऊपर वो बार बार इतनी महामारी भेज रहा था, लेकिन उसके बाद वो उसको माफ भी करता है, वो उसको सारी चीजों को क्लियर कर देता है और वापस से वैसा ही कर देता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे, वो दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो हमें कभी नहीं किसी भी परिस्थितियों में छोड़ता है। तो एक बार फिर से हम बोलेंगे, यहुआ अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणा में है। भजन संहिता 145 की 8 वर्स। आपको याद हो जाएगी, नेक्स्ट संडे आप बता पाओगे। यस मैम। हाँ जी, तो आप कौन मेरे लिए प्रार्थना करेगा? कोई है प्रार्थना कर देगा? सिस्टर गेम के बात करें प्रेयर। ठीक है, ओके। आप सबको जय मसीह की बच्चों, मेरा नाम जानते हो भी था सलोमी के साथ मेरा ना। ओके सिस्टर, टीम के बात करते हैं। तो मैंने आपको पिछले बार कुछ बोला था, किसको याद है, मैंने कुछ बोला था लास्ट वीक कि बच्चों नेक्स्ट वीक जरूर आना, कुछ होने वाला है। किसी को याद है क्या होने वाला है? मैंने क्या बोला था? मैम जी चिल्ड्रंस डे मनाएंगे। हाँ, चिल्ड्रंस डे। तो बच्चों अब हम लोग ना जल्दी जल्दी से एक गेम खेलेंगे और इस गेम के रूल्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप सबको अपना अपना वीडियो ऑन करना होगा, क्योंकि अगर आप वीडियो ऑफ करेंगे तो हम लोग ये गेम नहीं खेल सकते। तो बच्चों जल्दी से आप अपना वीडियो ऑन कर लो और जो जो भी खेलना चाहता है गेम जल्दी से आ जाओ, माइक के फोन के पास आ जाओ और हम लोग गेम स्टार्ट कर। ओके बच्चों, ओके, वेरी गुड अनमोल और अनंत स्तुति, आप लोग भी वीडियो ऑन कर लो, क्योंकि अगर वीडियो आप ऑन नहीं करेंगे तो हम लोग गेम नहीं खेल पाएंगे। अच्छा बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत अच्छा लगेगा। ये सेम गेम है जो हमने पिछले बार लास्ट मंथ को खेला था, बट बहुत मजा आएगा, आई एश्योर यू। सो बच्चों, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाऊंगी, ठीक है? तो ये है वो नंबर्स और मैं आपका नाम लूंगी। जब मैं आपका नाम लूंगी तो आपको मुझे एक नंबर बताना है। तो जब मैं उस नंबर को दबाऊंगी ना तो आपको एक चित्र दिखाई देगा, एक पिक्चर दिखेगा, तो वो क्या है आपको बताना है और मैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपको बताना है, ठीक है? तो चलो बच्चों, जैसे पिछली बार मैंने आपको क्या दिखाया था, खाना दिखाया था ना, और फिर बच्चों आपको कौन सा खाना पसंद है, तो इस बार भी हम लोग ऐसा कुछ करने वाले। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आस्था से। आस्था बेटा, आप नंबर बताओ, आपको स्क्रीन पे कौन सा नंबर चाहिए? माइक ऑन करो। फोर। ओके, फोर। तो आस्था आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? टॉय। वेरी गुड। आपका, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, मैंने बोला था ना इससे रिलेटेड। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपको सबसे पसंदीदा खिलौना क्या है, कौन सा खिलौना आपको बहुत पसंद है? टॉय। हाँ, नाम बताओ टॉय का, अगर आपके पास है तो आप हमें दिखा भी सकते हो, जल्दी से बताओ, हो जाएगा फिर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे, हम अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। जल्दी बताओ, नाम बताओ, कौन सा
क्या पसंद है आपको? टेडी बेयर पसंद है, कार पसंद है, क्या पसंद? टेडी बेयर। ओके अच्छा ओके बच्चों, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिया को। जिया आप नंबर बताओ। फाइव। ओके अच्छा बेटा, ये फाइव नंबर पे आपको कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? मैम खाने का। हाँ खाना, वेरी गुड। और आप, मेरा क्वेश्चन है आपको क्या खाना पसंद है? क्या खाना पसंद है आपको? डोसा। वेरी गुड, नाइस नाइस पॉइंट्स। अच्छा बच्चों, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है रायका। रायका आप बताओ आपको कौन सा नंबर चूज करना है? आपका माइक ऑफ है, मैं नहीं सुन पा रही हूँ आपको, माइक ऑन कर। तीन। हाँ तीन तीन तीन। ओके फाइन। यहाँ पे कौन दिखाई दे रहे है? दोनों कौन है ये दोनों? सिंग। वेरी गुड, क्या कर रहे हैं ये लोग? कौन है ये लोग? गर्ल बॉय कौन है? हा? ये लड़की लड़का है। अच्छा ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या है ये? इनके घर है क्या? ये खेल रहे हैं। किसके साथ खेलते हो? ये मेरा क्वेश्चन है रायका, क्या आप बता सकते हो आप किसके साथ खेलते हो? इसका नाम क्या है? किसके साथ? पल्लवी दीदी के साथ। पल्लवी दीदी, वो आपकी फ्रेंड है क्या? ओके वेरी नाइस। बच्चों इस गेम में ना जो भी आंसर देता है उसको पॉइंट्स मिलता है, तो अभी तो जिन लोगों ने भी खेला ना उन सब ने आंसर दिया तो सबको पॉइंट्स मिले। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं नेक्स्ट पूछना चाहूंगी नंबर स्तुति से। स्तुति या सृष्टि कोई भी एक नंबर बताएंगी, पर कैमरा ऑन करके। आपको पहले कैमरा ऑन करना पड़ेगा। हाँ कोई भी एक नंबर बताओ बेटा, जल्दी से, टाइम हो रहा है हमारा। दीदी एक। ओके एक। और यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एक कैसे बताओ है? क्या है ये? दीदी ट्रेन। ट्रेन, हाँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ट्रेन में बैठे हो, तो अगर आप बैठे हो तो कहाँ गए हो आप ट्रेन में, क्या आप हमें बता सकते हो? बता दे, नानी गया दीदी ऋषिकेश। ओ अच्छा लगा ट्रेन में बैठ के? यस दीदी। ओके वेरी गुड, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन जाता है अनमोल को। अनमोल आपके लिए सिर्फ टू वाला नंबर बचा है, तो अब टू वाले नंबर में जो पिक्चर है ना, तो आपको बताना कि ये लोग है कौन। ये कोई दो लोग? फ्रेंड्स। वेरी गुड फ्रेंड्स, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके स्कूल में आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? मैम आर्यन है उसका नाम। आर्यन है, क्यों है आपका वो बेस्ट फ्रेंड? मैम वो, मैम मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम। अच्छा आप मुझे दीदी बुलाना, ओके मैम नहीं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? मैम दीदी हमारी बहुत बचपन से भी दोस्ती है, वो बचपन में खेलने आ जाता था मेरे साथ। ओ इसलिए आपको बहुत अच्छी लगती है। आपको पता है यीशु मसीह भी हमारे फ्रेंड है और बहुत अच्छे फ्रेंड बनते हैं, तो आप यीशु मसीह को भी अपना फ्रेंड बना के देखना कि आपको कैसा लगता है। ओके बच्चों, ये भी वही गेम है जो हमने लास्ट टाइम खेला था, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको अपने बाइबल सबके पास रखने होते हैं, तो जल्दी से आप अपने बाइबल्स लेके आओ। अगर आपके पास बाइबल्स नहीं है तो अब मैं आपको गेम के रूल्स बताती हूँ। बच्चों अगर आपको बाइबल पढ़ना नहीं आता या आपको ओपन करना नहीं आता ना, आप अपने मम्मा को या अपने पापा को, किसी की भी आप हेल्प ले सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर स्क्रीन में आपको एक रेफरेंस दिख रहा है, एक हवाला दिख रहा है और वो लिखा हुआ है, पर उसमें ना एक वर्ड मिसिंग है, तो मैं जब ये पढ़ूंगी ना उसके जस्ट तुरंत बाद आपको बताना है कि इसमें क्या वर्ड मिसिंग है, और इसके हेल्प के लिए आप अपना बाइबल भी खोल सकते हो और उसमें देख सकते हो। ओके तो बच्चों इसके लिए ना जो फर्स्ट आंसर देगा उसको पॉइंट्स मिलेंगे,
ठीक है, तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि आपको अगर बाइबल नहीं है तो आप खोल के रख लो, या अपने मम्मी को या किसी को, किसी की आप हेल्प ले लो। ओके, तो सबसे पहला रेफरेंस मैं पढ़ रही हूँ, बच्चों अपना माइक ऑन करके रख लो, जिसको आंसर आता है जल्दी से बता देना, ठीक है। डैश को निश्य में से कोई वश में नहीं कर सकता, आयुब 3:8। क्या है ये डैश, जल्दी से बताओ, जो फर्स्ट बताया। जीव, वेरी गुड अनंत स्तुति सृष्टि, तो ये है जीव। ओके, तो ये पॉइंट्स मिलते हैं अनंत स्तुति और सृष्टि को। और ये सेकेंड, तो पहले मैं इसको समझा देती हूँ बच्चों, ये जो रेफरेंस है ना, इसमें ये जो हवाला है याकूब 3:1, उसमें परमेश्वर कहता है कि जो हमारा टंग होता है ना जीभ, वो ऐसा है जिसको कोई भी वश में नहीं कर सकता। टंग से हम क्या करते हैं, जीभ से हम क्या करते हैं, हम लोग बातें करते हैं ना, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं जा रही हूँ, जल्दी से आप अपने बाइबल्स अपने पास रख लो अगर आप नहीं है तो, और मुझे जल्दी से पढ़ के सुनाना। ओके, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। पहाड़ों पर उसके डैश क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। यशाया 52:7। क्या है इस डैश में, पहाड़ों पर उनके डैश क्या ही सुहावने हैं, क्या है ये डैश में? सॉरी बच्चों, मैं आपको एक्चुअली भूल गई, इसके बाद ना आपको अपने पैर भी दिखाना है, जो मतलब आप बोल रहे हो ना, आपको बोलना नहीं आपको दिखाना भी है, तो क्या आप मुझे दिखा सकते? अरे वाह, वेरी गुड अनंत, वेरी गुड रायका, वेरी गुड जी आयशिका। ओके बच्चों, वेरी गुड, नाइस आंसर बच्चों। आपको पता है इसमें इस वर्स में ये लिखा है कि उनके पैर जो है वो बहुत सुंदर होते हैं जो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं। परमेश्वर का सुसमाचार क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताना। तो बच्चों, क्या आप लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बता रहे हो कि प्रभु बहुत अच्छे है और वो हमारी हेल्प करते हैं? अगर आप नहीं बता रहे हो ना, तो हमें बताना चाहिए। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और मैं पढ़ती हूँ, आप जल्दी से मुझे आंसर बताना और मुझे दिखाना भी कि आपका आंसर क्या। ओके, तो तेरे खतों पर और जितने कामों में तू डैश लगाएगा, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। व्यवस्था विवरण 28:5। क्या है? हाथ, 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 वेरी गुड। कौन दिखाएगा मुझे अपने हाथ? वो दिखाना है, मैं जब भी कैमरा खोल लो, कैमरा खोल लो। ओके, वेरी गुड बच्चों, तो अच्छा लगा आपको ये गेम खेल के? मुझे तो बहुत मजा आया आपके साथ ये गेम खेल के। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट है कि अगले हफ्ते ना हम लोग एक मेमोरी वर्स का कंपटीशन रखेंगे, ठीक है? उसमें मेमोरी वर्स जो है वो याद करके आना होगा, आपको ग्रुप में भेज दूंगी। ओके बच्चों, तो अभी हम लोग सलोमी दीदी के साथ एक गीत सीखेंगे। ओके, ओवर टू यू सलोमी। चलो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, किस किस को गेम अच्छा लगा जो टीना दीदी ने सिखाया था? अच्छा लगा। उससे पहले वाला जो हमने लेसन सीखा था, वो भूल गए कि नहीं भूले? नहीं भूले। सिखाया था हमें लेसन आज का, उनका तो वीडियो भी ऑन है, मुझे याद नहीं है कौन है, बताएगा कोई? मैम का वो हमारी दीदी का नाम क्या है जिसने आपको सिखाया था आज? सलोमी दीदी। नहीं, मैंने नहीं सिखाया था, वो तो मैंने आपको गाना सिखाया था, आपको लेसन किसने सिखाया था? दीदी, दीप्ति वैसली दीदी ने। वेरी गुड, दीप्ति दीदी ने सिखाया था। तो दीप्ति दीदी ने हमें किसकी स्टोरी सिखाई थी? फटाफट बताओ, फिर आपको खाना खाने भी जाना है, बट फटाफट आंसर करो, जल्दी जल्दी जल्दी। किसकी स्टोरी बताई थी? फेरोन की दीदी। फेरोन और मूसा की, है ना? तो मूसा क्या बोलता था हर वक्त फेरो को अपने लोगों के लिए, क्या बोलता था? में से छोड़ दें, छोड़ दें, है ना? तो हम उसी पर ही फटाफट एक अच्छा सा इंग्लिश का एक गाना सीखेंगे। कौन कौन रेडी है? इंग्लिश का गाना रेडी है सब लोग? ठीक है, म्यूट कर लो अपना, सब लोग उठ जाएंगे बच्चे, हम लोग एक्शंस के साथ गाएंगे। मैं अपना स्क्रीन शेयर भी करूंगी,
ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। दिख रहा है स्क्रीन? यस बता दो, यस नो? यस दीदी। ओके थैंक यू। ठीक है, तो इसमें एक्शंस होंगे फेरो फेरो, ओ बेबी लेट माई पीपल गो। अच्छा मैं आपको, मैं नहीं दिख रही हूँ ना, मेरा सर नहीं दिख रहा आपको। फेरो फेरो ओ बेबी लेट माई पीपल गो, ये ठीक है। कैसे करेंगे? हु के बाद ये ठीक है। एक बार स्टार्ट करते हैं। मतलब कि मूसा और अपने मूसा लोगों के साथ रेड सी लाल समुंदर जा रहा था, तो उसके पीछे किसकी सेना आ रही थी? फेरो की सेना आ रही थी। तो मूसा ने क्या किया, उसने अपना एक रॉड का हिंदी डंडा लिया, डंडा मारा उसने, हाँ डंडा मारा ताकि समुद्र दो हो जाए और बीच में से रास्ता निकल जाए ताकि कौन, हाँ जी सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये हम आगे आएंगे ना तब हम ये कहानी पढ़ेंगे, अभी हमने ऐसे ही आपके एंजॉयमेंट के, क्योंकि बार बार फेरो कह रहा है, फेरो को प्रभु बोला ना कि मेरे लोगों को जाने दो, इसराइलियों को जाने दो कि वो मेरी उपासना करें, तो बार बार प्रभु बोल रहा है, तो उसी से रिलेटेड ये गाना है। हाँ जी सिलोम, हाँ थैंक यू दी। रेडी एक और बार करें? चलो बच्चों, आज का संडे स्कूल मुझे तो बहुत पसंद आया, आपको कैसा लगा? ओके बच्चों, तो अब हम लोग प्रेयर करके आज के संडे स्कूल को क्लोज करेंगे और अगले हफ्ते एक और नया स्टोरी होगा और छोटा सा मेमोरी वर्स का कंपटीशन होगा, तो आप सब लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आना। आप सब चाहते हो फर्स्ट आना? कौन चाहता है कि मैं फर्स्ट आऊं कॉम्पिटिशन में? कौन चाहते हो? अच्छा तो मैं ग्रुप में
मेमोरी वर्ड्स डाल दूंगी, आप वो सब याद कर लेना, ठीक है बच्चों? और हम लोग देखते हैं कि अगले हफ्ते कौन फर्स्ट आता है। तो अब सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपने आंखें बंद करें, अपने हैंड्स को फोल्ड करें और हम लोग प्रेयर करेंगे, ओके? प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपने आज दीप्ति सिस्टर के द्वारा हमसे आपने वचन के थ्रू बात किया प्रभु जी। प्रभु हम फिरौन की तरह अपने दिल को कठोर नहीं करें, पर प्रभु हम आपकी बात को माने, आप इसमें हमारी हेल्प कीजिए। प्रभु आप कितने अनुग्रहकारी परमेश्वर है कि आपने आपने हमारे सिंस को ओवरलुक करके प्रभु हम जब आपको हमारी बातें आपको पसंद भी नहीं थी, बट स्टिल प्रभु आप हमारे साथ फेलोशिप करने के लिए, हमारे हमारे पिता बनने के लिए आपने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया। तो प्रभु आपसे रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे प्रभु आपके अनुग्रह को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करें, और प्रभु आप वो सब बच्चे प्रभु आपको अपने पर्सनल सेवियर की तरह एक्सेप्ट कर सके, प्रभु आप उनकी हेल्प कीजिए। प्रभु पूरे हफ्ते आप बच्चों के साथ रहिए, दीप्ति सिस्टर के मिनिस्ट्री को आप और बढ़ाइए। प्रभु सलोमी के लिए भी आपका धन्यवाद जिन्होंने ये गीत सिखाया, और प्रभु जी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रभु आप बच्चों को अपने विंग्स के अंडर में उनको सेफ रखना, और प्रभु हर एक दुष्ट की और शैतान की ताकतों से उनको बचा के रखना। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमेन। ओके बच्चों, आप सबको जय मसीह की, बाय।